समाजवादी साइकिल जनसंदेश यात्रा का हुआ आगाज। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की नीयत से छावनी विधानसभा से विधायक पद के उम्मीदवार इमरान अहमद और पूर्व प्रदेश सचिव आरिश खान ने छावनी विधानसभा में जनसंदेश साइकिल यात्रा निकाली। जनसंदेश साइकिल यात्रा में मुख्य अतिथि सैयद वजीहुद्दीन रिजवी रहे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा के माध्यम से सपाइयों ने वर्तमान प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों से सभी को अवगत कराते हुए सरकार की नाकामियां गिनाई। कार्यक्रम आयोजक इमरान अहमद और पूर्व प्रदेश सचिव आरिश खान ने कहा कि युवाओं को आगे आकर रोजगार विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, जिससे कि युवाओं के हित वाली सरकार को लाकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। इस जनसंदेश साइकिल यात्रा की सफलता का पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को ही जाता है, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर इसे सफल बनाया है। क्या कार्यक्रम था, कहां से कहां जुलूस निकाला है और क्या है बताइए। हमारे कार्यक्रम का संदेश ये है कि जो मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी आवाम पर, उत्तर प्रदेश पे जुल्म किया जा रहा है और ये हुकूमत जमकर हमारा कत्ल कर रही है, इसको ख़त्म करने के लिए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम पूरे उत्तर प्रदेश में जन सैलाब की शक्ल में मौजूद हैं और हम ये चाहते हैं कि 2022 में परिवर्तन आए, ताकि हमारा जो नौजवान गरीब पढ़ा लिखा इंसान परेशान है उसको खुशहालियाँ मिलें। उसी को लेके हाजी इमरान साहब ने कानपुर में और आरिश खान ने कानपुर में एक जन संदेश यात्रा निकाली, जिसका संदेश ये है कि हम परेशानियों में, बारिशों में भी खड़े होकर एक नारा देंगे कि 2022 अखिलेश यादव की। कहां से कहां तक यात्रा और कहां निकली? ये जाजमऊ ईदगाह से, और ये जाजमऊ ईदगाह से उठाया गया प्रोग्राम। कहां से कहां यात्रा निकाली है और क्या बताइए। ये समाजवादी जन संदेश यात्रा निकाली गई मोहम्मद इमरान अहमद के नेतृत्व में, जो ईदगाह जाजमऊ ईदगाह से लेकर अशरफाबाद होते हुए, पुरानी चुंगी होते हुए, मोती नगर होते हुए गल्ला गोदाम पर समाप्त हुई है। और इस यात्रा का संदेश ये है कि समाजवादी पार्टी पर जो आज के लोगों पर, जो किसानों पे, गरीबों पे जो जुल्म हो रहे हैं, उसके खिलाफ समाजवादी यात्रा निकाली गई है, जिससे माननीय अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाया गया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।